हेलो एवरीवन uh, आज हम फिर मिल रहे हैं एक साथ और एक नए लेसन के साथ फ्रॉम योर सेम बुक ऑफ क्लास टेंथ एंड द न्यू यूनिट अब ये न्यू यूनिट कौन सा है दैट इज़ एडोलेसेंस और उसका जो नया लेसन है उस लेसन का नाम है स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल सो वी डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ अडोलसेंस और ये जो अडोलिसंस है ये आपकी पूरी यूनिट का नाम है इट मीन्स इस यूनिट में हम जो भी थ्री टू फोर लेसेंस पढ़ेंगे ठीक है वो इसी टॉपिक से रिलेट करेगा मतलब अडोलिसंस से रिलेट करेगा सो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वॉट डू यू मीन बाई एडोलिसंस सो एडोलसेंस इज अ ट्रांजिशनल स्टेज ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट that generally occurs during the period from puberty to adulthood. it is usually associated with the teenage years, but it is physical, psychological or cultural expansion or expression. may begin earlier or end later. in easy words or easy sentences, if i would explain to you that adolescence is a very critical age. in this age, you can face

ना यू विल भी इन दैट स्टेज कि यू विल भी कन्फ्यूज कि हाउ टू बिहेव वॉट टू से है ना सच काइंड ऑफ थिंग्स ऑलवेज पुट यूर इन द स्टेट कि यू विल नेवर अंडरस्टैंड वॉट टू डू इवन इन योर रेगुलर लाइफ ऑल्सो यू कैन फाइंड योर सेल्फ कि अक्सर ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स भी कहते हैं कुछ सिचुएशंस में बेटा आप तो बड़े हो गए आपको समझना चाहिए एंड सम सिचुएशंस में ऐसा होता है कि वो कहते हैं आप इतने बड़े भी नहीं हुए हों कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं सो दिस इज द क्रिटिकल स्टेज वेर यू आर नॉट अ चाइल्ड एंड यू आर नॉट अ यू आर एक्चुअली नॉट एन एडल्ट आप ना ही एक बच्चे हैं और ना ही एक मेच्योर पर्सन एडल्ट हैं आप उस स्टेज में हैं जिसे हम ट्रांजिशन स्टेज कहते हैं जिसे हम वो स्टेज कहते हैं जब बच्चा जो है चाइल्डहुड से एक मेच्योर स्टेज में जाता है बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस राइट ये तीन फेज से होकर गुजरता है प्री देन उसके बाद फिर ऑलरेडी जो आपका एडल्सेंट एज जाता है और उसके बाद पोस्ट एडल्सेंट आ जाता है राइट right? तो ये जो स्टेजेस हैं वो आपको आपके फिजिकल चेंजेस को रिकॉग्नाइज करने में आपको एक हेल्प करती हैं और दूसरा इस समय आप जो मेंटली बोलना चाहिए बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज एंड डिस्टर्ब स्टेट में रहते हैं कि वॉट आई एम एंड वेयर आई एग्जिस्ट इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन दिस एज अब ये जो यूनिट है कंसिस्ट कर रहा है उन लेसन्स को जो ये बताते हैं कि इस चेंजेस इस जो चेंजिंग एज में है या ट्रांजिशनल एज में बच्चे कैसे बिहेव करते हैं और सम टाइम्स वो किस तरीके से कुछ बातों के ऊपर रिएक्ट करते हैं इट कुड बी राइट और इट कुड बी रॉन्ग डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि वो सही है या गलत है सो बिफोर स्टार्टिंग द लेसन चलिए थोड़ा सा एक ऑथर के बारे में डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि हु इज़ द ऑथर ऑफ This this lesson, lesson as you all know, the the name name of is 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 Swami is expelled from this school, right? And the author name is Mr. R. K. Narayanan. Okay, so पूरा अगर नाम देखें तो काफी लंबा नाम है इनका पूरा नाम जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ऋषिपुरम कृष्ण स्वामी अयर नारायण स्वामी ये इनका नाम है राइट अब इनका जो ये जो लेखक हैं या ऑथर हैं हम राइटर कह सकते हैं ये बहुत ही फेमस फिक्शन राइटर हैं इंग्लिश राइटर हैं, इंडियन राइटर हैं राइट ये हमारे देश के बहुत ही फेमस फिक्शन राइटर हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लिटरेरी वर्क किया इन्होंने और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप इनकी एक बहुत ही फेमस बुक के बारे में जानते हैं जिसे मालगुड़ी के नाम से जाना जाता है जो एक साउथ का एक सीरियल बना था जो अक्सर दिल्ली दूरदर्शन पे मालगुड़ी डेज के नाम से प्रचलित था ओके okay, आइए अब इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं इनका जो जन्म है आई मीन ही वॉज बॉर्न ऑन टेंथ अक्टूबर 1906, हंड्रेड एंड सिक्स राइट एंड उनकी जो मृत्यु है ही वॉज डाइड ऑन थर्टीन मे टू थाउजेंड वन इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं जस्ट लाइक पद्म भूषण पद्म विभूषण एंड मैनी मोर सो दिस इज़ ऑल अबाउट मिस्टर आर के नारायणन ये बहुत ही महान व्यक्ति हैं अ ग्रेट राइटर अ ग्रेट इंडियन फिक्शन राइटर में से कह सकते इन्हें कह सकते हैं हम इन्हें अ ग्रेट फिक्शन इंडियन राइटर कह सकते हैं और ये एक कार्टूनिस्ट भी साथ में थे आइए अब लेसन की ओर चलते हैं लेसन को रीड करते हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस लेसन। इससे पहले इसकी एक ऑडियो सुन लेते हैं और फिर उसे समझेंगे आइए लेसन की ऑडियो की एक झलक लेते हैं यूनिट फोर अडोलस रीडिंग ए स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल द हेडमास्टर entered the class with a slightly flushed face and a hard, ominous look in his eyes. Swaminadhan wished that he had been anywhere but there at that moment. The headmaster surveyed the class for a few minutes and asked, Are you not ashamed of coming and sitting there after what you did yesterday? Just a special honour to them. He read out the names of dozen students or so, that had attended the class after that he read out the names of those that had kept away and asked them to stand on their benches he felt that punishment was not enough and asked them to stand on their desks swaminathan was among them and felt humiliated at that eminence then they were lectured when it was over they were asked to offer explanations one by one. One said that he had an attack of a headache and therefore could not come to school. He was asked to bring a medical certificate. The second said that while he had been coming to school on the previous day, someone had told him that there would be no school and he had gone back home. The headmaster replied that if he was going to listen to every loafer who said there would be no school, he deserved to be flogged. Anyway, why did he not come to school and verify? No answer. The punishment was pronounced 10 days' attendance cancelled, 2 rupees fine, and the whole day to be spent on the desk. The third said that he had an attack of a headache. The fourth said that he had stomach ache. The fifth said that his grandmother died suddenly just as he was starting for school. The headmaster asked him if he could bring a letter from his father. No, he had no father. Then who was his guardian? His grandmother. But the grandmother was dead, was she not? No, it was another grandmother. The headmaster asked how many grandmothers a person could have. No answer. Could he bring a letter from his neighbors? No, he could not. None of his neighbors could read or write because he lived in a very illiterate part of Element Street. Then the headmaster offered to send a teacher to this illiterate locality to ascertain from the boy's neighbors if the death of the grandmother was a fact a pause some perspiration and then the answer that the neighbors could not possibly know anything about it since the grandmother died in the village the headmaster hit him on the knuckles with his cane called him a street dog and pronounced the punishment 15 days suspension when swaminathan's turn came he looked around helplessly Rajam sat on the third bench in front and resolutely looked away he was gazing at the blackboard intently but yet the back of his head and the pink ears were visible to Swaminathan it was an intolerable sight swaminathan was in acute suspense lest that head should turn and fix its eyes on his he felt that he would drop from the desk to the floor. If that happened, the pink ears three benches off made him incapable of speech. If only somebody would put a blackboard between his eyes and those pink ears! He was deaf to the question that the headmaster was putting to him. A rap on his body from the headmaster's cane brought him to himself. Why did you keep away yesterday? asked the headmaster looking up swaminathan's first impulse was to protest that he had never been absent but the attendance register was there no no i was stoned i tried to come but they took away my cap and burnt it many strong men held me down when i tried to come when a great man is sent to gaol i am surprised to see you a slave of the Englishmen? Didn't they cut off Dhaka muslin? Slaves of slaves? These were some of the disjointed explanations which streamed into his head, and which even at that moment he was discreet enough not to express. He had wanted to mention a headache, but he found, to his distress, that others beside him had one. The headmaster shouted won't you open your mouth he brought the cane sharply down on swaminathan's right shoulder swaminathan kept staring at the headmaster with tearful eyes massaging with his left hand the spot where the cane laid i will kill you if you keep on staring without answering my question cried the headmaster i i could not come stammered swaminathan is that so asked the headmaster, turning to a boy, said, Bring the peon. Swaminathan thought, What? Is he going to ask the peon to thrash me? If he does any such thing, I will bite everybody dead. The peon came. The headmaster said to him, Now say what you know about this rascal on the desk. The peon eyed Swaminathan with a sinister look, grunted and demanded, didn't i see you break the panes of the ventilators in my room added the headmaster with zest here there was no chance of escape swaminathan kept staring foolishly till he received another whack on the back the headmaster demanded what the young brigand had to say about it the brigand had nothing to say it was a fact that he had broken the pains. They had seen it. There was nothing more to it. He had unconsciously become defiant and did not care to deny the charge. When another whack came on his back, he ejaculated, Don't beat me, sir. It pains. This was an invitation to the headmaster to bring down the cane four times again. He said, Keep standing here on this desk, staring like an idiot, till I announce your dismissal. Every pore in Swaminathan's body burnt with the touch of the cane. He had a sudden flood of courage—the courage that comes of desperation. He restrained the tears that were threatening to rush out, jumped down, and grasping his books, rushed out, muttering, "I don't care for your dirty school." लेसन स्टार्ट होता है हेडमास्टर एंटर्ड क्लास देड अ स्लाइटली फ्लैश फेस एंड एंड हार्ड लुक तो कहने का मतलब ये है कि एक जो हेडमास्टर है स्कूल का एनवायरनमेंट दिखाया गया है आप अपने स्कूल को इमेजिन कर सकते हैं right? राइट आप अपनी क्लास को इमेजिन कर सकते हैं आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि आप अपनी क्लास में बैठे राइट right? और आपकी क्लास में आपके प्रिंसिपल या हेड मास्टर एंटर करते हैं लेकिन उस समय उनका मूड कुछ ऑफ सा है और वो बहुत गुस्से में यहां है यहाँ फ्लश फेस का मीनिंग है लुकिंग एंग्रीली बहुत गुस्से में है एंड हैड ऑमनियस लुक एंड हैड हार्ड ओमनियस लुक का मीनिंग होता है ऐसी निगाहों से देख रहे हैं जैसे कि कुछ गलत होने वाला है तो हम उसको कह सकते हैं समथिंग बैड इज़ गोइंग टू बी हैपन ठीक है अब उनकी निगाहें इतनी बहुत ही तीखी लग रही हैं स्वामीनाथन विश्ड दैट ही हैड बीन एवनी वेयर बट देट नॉट मोमेंट इट मीन्स कि जो स्वामीनाथन है वो ये सोचता है जो कि उसी क्लास का स्टूडेंट है वो ये चाहता है कि हे भगवान इज इट पॉसिबल कि एट दिस टाइम आई कुड नॉट बी हेयर आई कुड भी एनी वेयर बट नॉट हियर ओनली वो चाहते हैं कि मैं यहाँ ना रह करके कभी कहीं भी रह जाऊँ बिकॉज उन्होंने अपने हेड मास्टर का फेस जो है रीड कर लिया था और समझ लिया था कि कुछ तो आज होने वाला है या हमें बहुत जोरों की डांट पड़ने वाली है राइट द हेड मास्टर सर्वेट द क्लास फॉर अ फ्यू मिनट्स इन नास्ट आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ कमिंग एंड सिटिंग देर आफ्टर वॉट यू डिड यर स्टडी सो so, सारे बच्चे बैठे हुए हैं तो हेडमास्टर आते हैं और पूछते हैं आर यू नॉट अशेम्ड क्या आप लोगों को शर्म नहीं आती है कल जो आप लोगों ने किया येस्ट मतलब बीता हुआ कल राइट right? तो कल जो आप लोगों ने किया है और उसके बाद आकर के यहाँ अपनी सीट्स लेके आप आराम से बैठ गए हैं इज दैट ऑल राइट फॉर ऑल ऑफ यू वो इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछते हैं उनसे जानना चाहते हैं और क्या करते हैं आगे देखते हैं वो कहते हैं जस्टिस स्पेशल ऑनर उटेंटोट क्लास of of और वो क्या करते हैं कल जिन लोगों ने क्लास अटेंड की थी मतलब कल जो लोग प्रेजेंट थे उन सभी के नाम वो काउंट करते हैं ठीक है जैसे कि हम आ, अपनी क्लास में कैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम कुछ नाम लेते हैं राइट अभिनव हुआ श्रेया हुई ऐसे वो अपने स्टूडेंट्स के नाम लेके खड़ा होने को कहते हैं जो जिन लोगों ने कल क्लास को अटेंड किया था अब ये करते समय वे ग्रेट ऑनर देते हैं उन सारे बच्चों को तो वो सारे बच्चे क्या होते हैं खड़े हो जाते हैं जैसे जैसे उनके नाम आते जाते हैं वैसे वैसे वो अपनी अपनी प्लेस पे दे अप। उसके बाद क्या होता है आफ्टर दैट ही रेड आउट द नेम्स ऑफ दोस्त दैट हैड कैप्ट अवे एंड आज देम टू स्टैंड ऑन देयर बेंचेस उसके बाद उन लोगों को कहते हैं जो कि बैठे हुए थे या दूर दूर खड़े थे और उनको क्या कहते हैं डू वन थिंग जस्ट स्टैंड ऑन योर बेंचेस और अपनी बेंच पे खड़े हो जाइए आप लोग ठीक है ही felt that पनिशमेंट was नॉट इनफ एंड asked देम टू स्टैंड ऑन their डेस्क उनको ऐसा लगता है केवल बेंच पे खड़ा होना सफिशेंट नहीं है तो वो क्या करते हैं आज वो उनसे पूछते हैं डू वन मोर थिंग आप बेंच पे ना खड़े होकर के आप क्या करिए अपने सामने जो डेस्क रखे हैं जिसपे हम अपने बैग रखते हैं अपनी बुक्स रखते हैं आप उस पर खड़े हो जाइए और उसके बाद क्या करते हैं स्वामीनाथन वॉज अमंगूमिलिएटेड एट दैट एमिनेंस एमिनंस का मतलब होता है एनवायरमेंट राइट right? तो स्वामीनाथन भी उन्हीं बच्चों में था जो ग्रेटली ऑनर्ड बच्चे थे जिनको कहा गया था कि आप अपने डेस्क पे खड़े हो जाओ तो उन्हें ग्रेटली ऑनर्ड बच्चों में था ठीक है और वो अपने आप को बहुत बुरा फील कर रहा था बहुत ह्यूमिलिएटेड ह्यूमिलिएटेड का मतलब है शर्मसार होना उसको ऐसा लग रहा था कोई उसे ह्यूमिलिएट कर रहा कोई नीचा दिखा रहा है राइट और उसमें उससे बहुत शर्म आ रही थी उस एमिनेंस में उस वातावरण से बहुत खराब लग रहा था देन दे वेर लेक्चर्ड वेन इट वॉज ओवर दे वेर आस्ट टू ऑफ एक्सप्लेनेशन वन बाय वन और उसके बाद उनको लंबा चौड़ा एक लेक्चर दिया गया लंबा चौड़ा लेक्चर जब डांट पड़ती है सो यू पीपल हाउस से सर तो आए थे लेक्चर देके चले गए राइट है ना तो ये पढ़ाई वाला लेक्चर नहीं था डांट वाली लेक्चर थी राइट तो इतने लंबे लेक्चर के बाद इतने सारी बातों को कहने के बाद सर ने कहा कि ठीक है अब डू वन थिंग वन बाय वन आप लोग एक्सप्लेनेशन देंगे कि क्या हुआ था करके और आप लोग क्यों नहीं आए थे वॉटवर अगर नहीं आए थे तो सो वन सेट दैट ही हैड एन अटैक ऑफ अड एक एंड देर फॉर कुड नॉट कम टू स्कूल ही वॉज़ आज टू ब्रिंग अ मेडिकल सर्टिफिकेट तो एक ने कहा कि सर मेरे सिर पर ना बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था हेड एक हो रहा था जिस वजह से मैं क्या हुआ नहीं आ पाया सो so, प्रिंसिपल और हेड मास्टर आज हिम टू प्लीज़ ब्रिंग द मेडिकल सर्टिफिकेट अगर ऐसा है तो आप डॉक्टर के पास जरूर गए होंगे है ना सो ब्रिंग द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑन द नेक्स्ट कमिंग डे आप कल या टुमारो नेक्स्ट कमिंग डे मतलब टुमोरो क्या करिएगा अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आइएगा राइट उसके बाद आगे बढ़ते हैं द सेकेंड सेट दैट वाइल ही हैड बिन कमिंग टू स्कूल ऑन द प्रीवियस डे समन एंड होल्ड हिम एंड सम टोल्ड हेम देट देर वुड बी नो स्कूल एंड ही हैड गॉन बैक होम सेकेंड मन सेट कि सर वेन आई वॉज कमिंग फ्रॉम माई होम समन टोल्ड मी की आज स्कूल नहीं है डोंट गो सो फिर मैंने उनकी बात सुनी एंड आई रिटर्न बैक टू माई होम तो वो कहते हैं कि मैंने उनकी बात सुनी और मैं अपने वापस घर चला गया हेड मास्टर रिप्लाई इस पर हेडमास्टर रिप्लाई करते हैं क्या कहते हैं वो दैट इफ ही वॉज गोइंग टू लिसन टू एवरी लोफर हु वुड बी नो स्कूल ही डिजर्व टू बी फ्रॉग्ड वो कहते हैं अगर तुम इसी तरीके से हर लोफर की बात करते रहोगे या सुनते रहोगे तो तुम इसी तरीके से बुद्धू बनना डिजर्व करते हो राइट उसके बाद एनी वे वाई डिड ही नॉट कम टू स्कूल एंड वेरीफाई तो वो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं उसके बाद उन्होंने पूछा क्यों नहीं आए उसके बाद भी तुम गलत हो तुमको आना चाहिए था तो उन्होंने पूछा बताओ वेरीफाई करो कि ऐसा हुआ था और वो कौन लोग थे तो इस पर कोई आंसर नहीं आता है वो शट शट डाउन हो जाता है और वो कहता है कि सर आई एम नॉट एबल टू आंसर वो चुपचाप वहाँ पे खड़ा रहता है आगे क्या होता है द पनिशमेंट प्रोनाउंसड द पनिशमेंट वॉज मतलब होता है पनिशमेंट को डिक्लेयर किया जाता है या announce किया जाता है है। कि उसको क्या punishment मिलने वाली सो वॉट वॉज द पनिशमेंट अटेंडेंस कैंसल्ड दस दिन की अटेंडेंस कैंसिल हो जाती है मतलब वो आया तो था बट सब जगह एपसेंट मार्क हो जाएगा एंड टू रुपीज फाइन और उस पर किस कितने रुपए का फाइन लगता है दो रुपए का फाइन लगता है ओके okay, तो इसके बाद क्या हुआ दो रुपीज का फाइन तो लगा लेकिन साथ में वो और एक चीज अनाउंस करते हैं एंड द होल डे टू बी स्पेंड ऑन द डेस्क और आपको आज कब स्कूल का पूरा दिन ठीक है जितनी देर स्कूल रहेगी आपको इस डेस्क पर ही खड़े रहना है राइट द थर्ड सेट दैट ही हैड एन अटैक ऑफ एक फिर से तीसरा एक और बच्चा आता है वो कहता है मुझे अटैक हुआ था हेड एक का राइट द फोर्थ सेट दैट ही हैड स्टमक एक मुझे पेट में दर्द था द फिफ्थ सेट दैट इज ग्रैंड मदर डाइट सडनली जस्ट एज ही वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल वो जो नेक्स्ट वन होता है फिफ्थ वाला होता है कहता है कि मेरी जो दादी माँ हैं उनका निधन हो गया शी डाइट क्यों कब हुआ जैसे ही मैंने स्कूल के लिए स्टार्ट किया सडनली जस्ट एज ही वॉर स्टार्टिंग फॉर द स्कूल वो कहता है राइट द हेड मास्टर हिम इफ ही कुड ब्रिंग अ लेटर फ्रॉम हिज फादर उस पर हेडमास्टर uh, मास्टर कहते हैं डू वन थिंग जस्ट ब्रिंग अ लेटर और एप्लीकेशन दैट दिस सच काइंड ऑफ थिंग्स हैज बीन हैपेन्ड एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन यू वर एबसेंट यस्टरडे इस तरह का कुछ लेटर ले आइए कि ऐसी कुछ चीजें हुई थी आपकी ग्रैंड मदर का निधन हो गया था और बिकॉज ऑफ दिस रीज़न आप कल स्कूल नहीं आए थे ऐसा मुझे आपके पापा से लिखवा करके ले आइए तो उस पर वो क्या कहता है ही हैड नो फादर वो कहता है सर बट मेरे तो पापा ही नहीं है देन हु वॉज हिज गार्जन तो वो पूछते तो इनका गार्जियन कौन है इनके पेरेंट्स कौन है हिज ग्रैंड मदर उनकी ग्रैंड मदर ही उनकी गार्जन है बट द ग्रैंड मदर वॉज डेड वॉज शी नॉट लेकिन तुम्हारी ग्रैंड मदर तो खत्म हो गई ना डाइड शी एक्सपायर्ड ना अब अब तुम कैसे कह रहे हो वो तो ख़त्म हो गई तो अब तुम्हारा गार्जन कोई नहीं है तो ये जो सवाल थे वो किस बच्चे से पूछे जा रहे थे द फिफ्थ वन और इन सवालों के जवाब में आगे क्या होता है हम आगे के लेसन में आइए देखते हैं और समझते हैं वो बच्चा कहता है नो नो इट वॉज अनदर ग्रैंड मदर नहीं सर आप नहीं समझ रहे वो मेरी दूसरी ग्रैंड मदर थी द हेड मास्टर आज हाउ मैनी ग्रैंड मदर्स अ पर्सन कूड हैव वो इतने बुरी तरह एंग्री हो जाते हैं और पूछते हैं अच्छा एक बात बताओ किसी भी पर्सन की कितनी ग्रैंड मदर हो सकती हैं तो वो बच्चा कहता है कुछ नहीं कह पाता वो पूरी तरीके से जो है साइलेंट हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई रिप्लाई ही नहीं होता है तो वहाँ से नो आंसर कुड ही ब्रिंग अ लेटर फ्रॉम हिज नेबर्स नो ही कुड नॉट तो वो फिर पूछते हैं कि क्या आप अपने आस पड़ोस से या नेबर से या पड़ोसियों से एक लेटर लिखवा के ला सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था तो बच्चा अगेन नहीं वो नहीं कर सकता था नन ऑफ हिस्स नेबर्स कुड रेड और राइट उसके हिसाब से उसके आस पड़ोस के लोग जो है सारे इलिटरेट हैं किसी को भी पढ़ना लिखना नहीं आता है राइट बिकॉज ही लिव इन अ वेरी इलिटरेट पार्ट ऑफ एलिमेंट स्ट्रीट उसके हिसाब से क्योंकि वो एलिमेंट स्ट्रीट के बहुत ही इनलिटरेट पार्ट में रहता है तो उसके आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं मतलब जितने भी नेबर्स हैं दे ऑल आर इलिटरेट दे डोंट इवन नो टू हाउ टू राइट and read. so it is not possible for them to write a letter and give an explanation for yesterday what happened. jo जो बीते हुए कल में हुआ उसके लिए कोई एक्सप्लेनिशन रिटर्न में देने के लिए रेडी नहीं है कोई दे ही नहीं सकता देन द हेड मास्टर ऑफर टू सेंड अ टीचर टू दिस इलिटरेट लोकेलिटी टू एस सर्टेन फ्राम द बॉयज़ नहीं बस इफ़ द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर वॉज अ फैक्ट तो फिर वो डिसाइड करते हैं आई कैन डू वन थिंग सब वहाँ इलिटरेट है सब आपके कहने पर मैं मान लेता हूँ मैं एक काम करता हूँ अपने स्कूल से एक टीचर को भेजता हूँ वहाँ पर इंस्पेक्ट करने के लिए कि वेदर यू आर राइट और नॉट अगर वो वहाँ जाके पूछेंगे लोगों से आस पास के तो अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो लोग तो हाँ या नहीं मैं आंसर करेंगे इतना तो वो जानते ही हैं लिख पढ़ नहीं सकते रिप्लाई करना तो जानते हैं ना अगर मैं पूछूंगी अपने लोकल लैंग्वेज में फ़ॉर एग्जाम्पल अगर मैं हिंदी अच्छी बोलती हूँ और जिस पर्सन को हिंदी अच्छे से आती है अगर मैं उनसे पूछूंगी कोई कन्वर्सेशन हमारे बीच में होता है तो हम दूसरे को रिप्लाई करेंगे वैसे ही वो क्या कहते हैं आई एल डू वन थिंग आई एल सेंड अ टीचर एंड ही विल इंस्पेक्ट ऑल सच थिंग्स एंड ही विल रिटर्न एंड गिव मी अ फीडबैक वॉट वॉज हैपनिंग देर तो उसके लिए क्या बोलता है वो बच्चा वो फिर एक पॉज लेता है सम परस्परेशन एंड देन द आंसर द नेबर्स कुड नॉट पॉसिबली नो एनीथिंग अबाउट इट सिस द ग्रैंड मदर डाइड इन द विलेज वो चुप हो जाता है थोड़ी देर के लिए और उसके बाद कुछ सोच कर बोलता है सर शायद किसी को भी नहीं पता होगा कि मेरी ग्रैंड मदर का कल निधन हो गया है या माई ग्रैंड मदर एक्सपायर्ड येस्टरडे तो ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई कि किसी के घर में कुछ मिस uh, हैपनिंग हो गया है और आसपास के लोगों को नहीं पता है सो इट इज़ नॉट पॉसिबल ना हाउ इज़ इट पॉसिबल तो सर समझ जाते हैं कि नहीं ही इज़ गिविंग अननेसरी एक्सक्यूजेस वो पहले ही हालांकि समझ चुके होते देन ऑल्सो ही वॉज लिसनिंग एंड ही वॉन्ट्स एक्सप्लेनेशन कि बच्चे किस लेवल तक अपने को एक्सप्लेन कर सकते हैं तो यहाँ बच्चा फेल हो जाता है अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए सर समझ जाते हैं कि नहीं ये झूठ बोल रहा है सो so, क्या करते है द हेडमास्टर हिट हिम ऑन द नकस विथ हिज केन तो अब हेड मास्टर बहुत गुस्सा आता है इतना गुस्सा आता है कि वॉट ही डिड वो नकल्स पे, उसके नकल्स का मतलब होता है ये फिंगर्स के जॉइंट ठीक है अब इन नकल्स पे वो क्या करते हैं अपनी रूल लेते हैं और उससे ज़ोर से हिट करते हैं उसका हाथ शायद इस तरीके से डेस्क पे रख के वो खड़ा था सर के हाथ में रूल होगी, उन्होंने ज़ोर से उनके नकल्स पे मारा एज अ पनिशमेंट उनकी जो केन थी या रूल थी उसके हेल्प से कॉल रिम अ स्ट्री डॉग एंड प्रोनाउंस द पनिशमेंट फिफ्टीन डेज सस्पेंशन और इतने गुस्से में थे कि बींग अ टीचर ये अच्छी बात नहीं है बट उनके मुँह से एकदम निकल गया यू आर अ स्ट्री डॉग तुम एक गली के कुत्ते हो इतना झूठ बोलते हो अपने आप को सच साबित करने के लिए तुमने अपनी जीती जा जाती दादी को भी मतलब ख़त्म हो गई ये तक बता दिया सो दिस इज नॉट गुड एट ऑल वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने उसे स्ट्रीट डॉग भी कह दिया और उसको एक पनिशमेंट दी और वो पनिशमेंट क्या थी फिफ्टीन डे सस्पेंशन पंद्रह दिन के लिए बच्चे को सस्पेंड कर दिया गया या पंद्रह दिन के लिए स्टूडेंट को सस्पेंड कर दिया गया वेन स्वामीनाथन टर्न केम ही लुकड अराउंड हेल्पलेसली जब स्वामीनाथन का टर्न आया तो वो बहुत ही हेल्पलेस हेल्पलेस का मतलब क्या होता है असहाय मतलब उसे ऐसा लग रहा था कोई तो उसकी हेल्प करे कोई तो उसकी साइड ले राजन सेट ऑन द थर्ड बेंच इन फ्रंट एंड रिजोल्यूटली लुक्ड अवे और राजन जिसका फ्रेंड था वो ठीक उसके सामने बैठा था थर्ड बेंच पर और जानबूझकर वो उसे निगाहें नहीं मिला रहा था वो मतलब दूर देख रहा था वॉज गेजिंग एट द ब्लैक बोर्ड इंटेंशनली और वो जानबूझकर के करके ब्लैक बोर्ड को निहार रहा था गेजिंग मतलब एक जैसे देखना या निहारना राइट वेन् स्वामीनाथन टर्न स्केम ही लुक्ड अराउंड हेल्पलेसली Rajan sat at the third bench in front and resolutely looked away. He was gazing at the blackboard intentionally. But yet the back of his head and the pink ears were visible. Lekin kya horata Rajan ki jo back hai. वो किसे दिख रही थी वो स्वामीनाथन को दिख रही थी और उसके पिंकिश ईयर्स भी दिख रहे थे जब हम कोई मिस्टेक करते हैं और हमें डर लगता है कि अब हमें सजा मिलने वाली है तो हमारा चेहरा क्या हो जाता है डर से लाल हो जाता है राइट एंड द सेम वे राजन का भी चेहरा डर से लाल हो गया था बिकॉज कहीं ना कहीं राजन नोज की उसकी भी गलती थी हो सकता है उन लोगों ने कुछ ऐसा किया हो जिसमें राजन भी इन्वॉल्व हो बट दिस टाइम वो बचने के लिए क्या कर रहा है अभी अपने फ्रेंड स्वामीनाथन का साथ नहीं दे रहा है लेकिन उसके एक्सप्रेशन और उसके से समझ में आ रहा है कि कुछ तो गलत हुआ है या वो डर रहा है उन चीजों से तो उसके जो ईयर लॉब्स से या ईयर से वो पिंक हो गए थे जो कि पीछे से फ्रॉम द बैक साइड स्वामीनाथन वॉज एबल टू सी एट दैट टाइम क्या सोच रहा था स्वामीनाथन आइए जानते हैं इट वॉज एन इनटॉलरेबल साइड स्वामीनाथन वॉज इन एक्यूट सस्पेंस लेस दैट हेड शुड टर्न एंड फिक्स इट्स आइज ऑन हिस्स फेस ही फेल दैट ही वुड ड्रॉप फ्रॉम द डेस्क ऑन द फ्लोर इफ दैट द पिंक ईयर थ्री बेंचेस ऑफ मेड हिम इनकेपेबल ऑफ स्पीच इफ ओनली समबडी वुड पुट अ ब्लैक बोर्ड बिटवीन हिज आइज एंड दो पिंक ईयर्स और जो सामने बैठा बच्चा राजन था वो खुद इतना डरा हुआ था कि उसके जो ईयर लॉप्स या एयर्स के जो कॉर्नर्स हैं वो पिंकिश दिख रहे थे और उनको देख करके के स्वामीनाथन का भी डर धीरे धीरे बढ़ रहा था क्योंकि अब उसका टर्न था वो समझ चुका था अब वो टेरर में इतना आ गया था कि वो इतना डर गया था कि वो चाहता था कि वो जम जाए उससे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या गए अब उस समय ही फीलिंग लाइक कि अब वो फेंट हो जाएगा यानि चक्कर आकर के फर्श पर ही गिर जाएगा और ऐसा अगर हुआ तो वो पिंक ईयर्स जो दिख रहे हैं जो तीन बेंच आगे उसके बच्चा बैठा हुआ है वो स्पीचलेस हो जाएगा उसे आंसर देना पड़ेगा या हो सकता है उसके स्वामीनाथन के बदले राजन को आंसर देना पड़े इफ़ ओनली सम बडी पुट अ ब्लैक बोर्ड बिटवीन हिज आईज एंड दोज पिंक ईयर्स वो पिंक ईयर्स उसे इतना डर आ रहे थे इतना डर आ रहे थे कि वो चाहता था कि उसके और उस पिंक ईयर्स के बीच में अगर कोई पर्दा या ब्लैक बोर्ड होता तो वो इतना डर फील नहीं करता सेम फीलिंग उसके सामने नहीं आती ही वॉज डेफ ऑफ द क्वेश्चन दैट द हेड मास्टर वॉज पुटिंग टू हिम अ रैप ऑफ हिस बॉडी फ्राम द हेड मास्टर के बॉट हिम टू हिमसेल्फिंग सो मेनी थिंग्स एट दैट टाइम और बिकॉज ऑफ दैट ओनली वॉज नॉट एबल टू ईर द क्वेश्चन ऑफ़ द हेड मास्टर एंड एट दैट टाइम द हेड मास्टर वॉज कंटिन्यूअसली आस्किंग स्वामीनाथन टल मी स्वामीनाथन टल मी एट दैट टाइम ही वॉज बिहेविंग लाइक अ डेफ है ना वो एक बहरे की तरह बिहेव कर रहा था जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली अगेन द हेड मास्टर गॉट एंग्री एंड ही पुट रैप ऑन इस बॉडी और क्या करते हैं वो अपनी रूल से क्या करते हैं ये अपनी केंद से एक रैप क्या करते हैं स्वामीनाथन के बॉडी पे मारते हैं और जैसे ही स्वामीनाथन के बॉडी पे वो रैप लगता है मतलब वो एक झटका लगता है वो रूल का एक झटका लगता है उसे वो सेंसेस में वापस आता है और ही कुड नाउ फील द पेन ऑफ रैप जो उसके बॉडी पर अभी हेड के केंद से लगा है आइए देखते हैं कि आगे लेसन में और क्या इंटरेस्टिंग होता है और उनके बीच क्या कॉन्वर्सेशन होता है किस तरीके से बच्चा एंड में बिहेव करता है ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है बने रहिए मेरे साथ ना हेडमास्टर आस्ट कि व्हाई डिड यू कीप अवे यस्टरडे कल तो मैं एबसेंट क्यों थे भाई बताओ आज द हेडमास्टर लुकिंग अप उसकी तरफ ऊपर देखते हुए उसे पूछता क्योंकि वो क्या था किस पे खड़ा था डेस्क पे खड़ा था तो ऑब्वियसली जो हेड मास्टर उनको कैसे देखना पड़ेगा ऐसे देखना पड़ेगा राइट सो इमेजिन करिए एक बुजुर्ग सा आदमी या हेड मास्टर हैं चश्मा लगा है वो इस तरीके से स्वामीनाथन से क्वेश्चन कर रहा है आप अपने दिमाग में इमेजिन करिए और स्टोरी को एंजॉय करिए राइट अब ऐसे जब देखते हैं तो स्वामीनाथन कहता है स्वामीनाथन वाज फर्स्ट इम्पल्स वाज टू प्रोटेस्ट दैट ही हैड नेवर बीन एब्सेंट स्वामीनाथन पहले सोचता है कि जल्दी से मैं बोल देता हूँ कि सर uh, मैं तो कभी एबसेंट ही नहीं था ये सोचता वो फिर उसे याद आता है नो बट अटेंडेंस रजिस्टर वॉज नो नो आई वॉज स्टोन ये सोचता है कि कल तो अटेंडेंस रजिस्टर था वो वहाँ पे पत्थर की तरह जड़ हो जाता है आई ट्राई टू कम बट द टुक अवे माई कैप एंड इट वो सोचता है मैं कह देता हूँ कि कोई था मैं आने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन उन लोगों ने मेरी टोपी ले ली उसे जला दी और मैं नहीं आ पाया मेनी स्ट्रॉन्ग मैन हेल्ड मी डाउन एंड वेन आई ट्राई टू कम वेन अ ग्रेट मैन इज सेंट टू गोल आई एम सरप्राइज टू सी यू अ स्लेव ऑफ द इंग्लिश मैन डिड दे आउट ऑफ डैक मुस्लिम स्लेव ऑफ स्लेव दे वेयर सम ऑफ द डिसजॉइंट एक्सप्लेनेशन विच स्ट्रीम इन टू हेड एंड विच इवन एट द मोमेंट ही वॉज डिस्क्रीट इनफ टू एक्सप्रेस अब देखिए बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हैं जो कि बेतुके हैं राइट डिसजॉइंटेड है जो कि right? एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं हो रहे पहले उसने सोचा कि मैं बोल देता हूँ कि कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया था उन्होंने मेरी कैप ले ली और बंद कर लिया इसलिए मैं नहीं आ पाया फिर उसने सोचा कि नहीं मैं एक दूसरी चीज़ कर देता हूँ कि बहुत सारे मजबूत स्ट्रोंग आदमी आए उन्होंने मुझे पकड़ लिया मैं इसीलिए नहीं पा पाया फिर उसने सोचा कि आपने कभी इंग्लिश लोगों को स्लेब्स को पकड़ते देखा है जैसे कि डाका मुस्लिम में हुआ था किस तरीके से स्लेब्स ऑफ स्लेब्स वाली स्टोरी में उन लोगों ने इंग्लिश मैन ने बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया था और क्या बना दिया था स्लेब्स बना दिया था ऐसे बहुत सारे ख्याल उसके मन में आ रहे थे एंड दे ऑल आर डिसजॉइंटेड मतलब वो एक दूसरे से रिलेट ही नहीं कर रहे थे एट दैट टाइम ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक अप और गिव एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड ही वॉज अन आंसरेबल फॉर द क्वेश्चन आस्ड बाय द मास्टर कहने का मतलब ये है कि उस समय वो अन आंसरेबल हो गया था उसके पास कोई उत्तर नहीं था देने के लिए हेडमास्टर को क्योंकि जो क्वेश्चन हेडमास्टर uh, ने पूछा था वो उसके लिए रिप्लाई देना मुश्किल हो गया था ही हैड वॉन्टेड टू मैंशन अ हेड एक बट ही वुडेंट बट ही फाउंड टू हिज डिस्क्रीट डेट अदर्स डिसाइड हिम हैड डन अब वो सोचता है ये सारे एक्सप्लेनेशन तो मैच ही नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से आई कैन डू वन थिंग मैं बोल देता हूँ मुझे हेड हो रहा था जैसे बाकी बच्चे ने बोला फिर उसे रियलाइज हुआ कि मुझसे पहले भी कई बच्चों ने सेम एक्सक्यूज दिया है तो नाउ दिस एक्सक्यूज विल नॉट वर्क वो समझ गया था द हेड मास्टर योर माउथ मतलब और वो जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या तुम अपना मुंह नहीं खोल सकते वॉन्ट यू ओपन योर माउथ तो माउथ किस लिए खोलना था टू रिप्लाई टू से समथिंग राइट ही बॉट द केन्ज शार्पली डाउन ऑन स्वामीनाथन राइट शोल्डर स्वामीनाथन कैप्स चेयरिंग एट द हेड मास्टर्स विथ टीअफोलाइज मसाजिंग विद द लेफ्ट हैंड द स्पॉट वेद द केन लेड अब क्या हुआ इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अपनी केन को शार्पली बहुत तेजी से स्वामीनाथन के राइट शोल्डर पर दे मारा और स्वामीनाथन को भी गुस्सा आने लगा था वो क्या करने लगा अब अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके वो अब हेडमास्टर को देख रहा था और कंटिन्यूसली अपने शोल्डर को और हैंड को रब कर रहा था क्योंकि वहां पे वो रूल या केन बहुत तेज लगी थी उसे अब उसकी आंखों में आंसू भी थे लेकिन आंखों में गुस्सा भी साथ में नजर आ रहा था आई विल किल यू इफ़ यू कीप ऑन स्टेयरिंग विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन कराइट हेड मास्टर हैड मास्टर गुस्से में कहते हैं आई विल किल यू इफ़ यू कीप ऑन स्टेयरिंग अगर तुम इसी तरह मुझे घूरते रहे तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा और अगर तुमने आंसर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करूँगा सो so, बच्चा अब डर गया था वो कहता है आई कुडेंट कम स्टैमर्ड स्वामीनाथन स्टैमर्ड का मतलब होता है रुक रुक के बोलना या हक लाना तो वो इतना डर गया था कि वो रुक रुक के बोल रहा था और कहता है कि मैं नहीं आ पाया सर इज दैट सो तो बोलते हैं क्या ये सच है कि तुम नहीं आ पाए थे आज द हेड मास्टर एंड टर्निंग टू अ बॉय सेट ब्रिंग द प्यून और वो क्या कहते हैं कि डू वन थिंग तुम यहाँ खड़े रहो और दूसरे लड़के की तरफ टर्न करके कहते हैं जाओ बेटा गो एंड कॉल प्यून तो वो बोलते हैं कि जाओ बेटा प्यून को लेके आओ तो स्वामीनाथन सोचता है कि वॉट इज ही गोइंग टू आज द प्यून टू ट्रैश मी क्या बोलेंगे वो प्यून को कि क्या मुझे वो कचरे में फेंक नहीं ले बोलेंगे इफ इट डज एनी सच थिंग आई विल बाइट एवरीबडी डेड अगर वो ऐसे ही करेंगे तो मैं उन सबको जोर जोर से क्या करूंगा काटूंगा जब तक कि वो मर नहीं जाएंगे द पियून केम वो जब इतना सब सोच ही रहा था उसी समय क्या होता है पियून आता है द हेडमास्टर मास्टर सेट टू हिम हेडमास्टर कहते हैं

आप क्या है प्यून जो है वो स्वामीनाथन को एक एविल लुक देता है जैसे कि आप लोगों ने डेली सोप्स में देखा होगा किस तरीके से विलेन एकदम एविल लुक देते एकदम बुरी लुक देते हैं वैसे ही प्यून उस समय क्या करता है एक एविल लुक देता है ग्रंट करता है एंड डिमांडेड करता है डिमांडेड डिमांडेड करता है मतलब उससे पूछता है कि डिडेंट आई सी यू ब्रेक इन द पैंस तो वो बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें पैंस को तोड़ते हुए नहीं देखा था नाउ ऑफ द वेंटिलेटर्स इन माई रूम एडेड द हेड मास्टर विद अब बहुत ही गुस्से में आकर के सर बोलते हैं कि क्या तुमने उन्हीं वेंटिलेटर्स के पैंस को तोड़ा नहीं था पैंस क्या होते हैं वेंटिलेटर्स पे जो छोटे छोटे ग्लासेस लगे होते हैं उनको पैंस कहते हैं तो, तो क्या तुमने उन्हें तोड़ा नहीं था हियर देवेर नो चांस ऑफ स्केप अब यहाँ बचने का कोई चांस नहीं था स्वामी कैप्ट स्टेरिंग फुलश ली अब यहाँ पे स्वामीनाथन बेवकूफों की तरह अभी भी क्या कर रहा था घूर ही रहा था टिल ही रिसीव अनादर वैक ऑन द बैग जब तक घूर रहा था जब तक कि उसे एक और स्टिक नहीं पड़ी उसके बैग पर द हेड मास्टर डिमांडेड वॉआ द यंग ब्रिगैंड हैड टू से अबाउट इट तो वो बोलते हैं यंग ब्रिगेडियर आप तो बहुत बड़े तोपचंद हैं आप बताइए अब इस पर क्या कहना चाहते हैं द यंग ब्रिगैंड के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था इट वॉज एड पैंस को तोड़ा था दे हैड सीन इट और उन लोगों ने उन्हें देख लिया था देर वॉज नथिंग मोर टू इट और उसमें कुछ सफाई बची ही नहीं थी एक्सप्लेनेशन देने के लिए कोई जगह ही नहीं थी हीड अनकॉन्शियसली बिकम डिफी Defiant and did not care to deny the charge. Unconscious, unconsciously का मीनिंग होता है कि अनजाने में राइट right? वो अनजाने में क्या हुआ वो defiant हो गया वो और इतना करेज उसमें आ गया कि उसने इस चार्ज को डिनाई भी नहीं कर पाया चार्ज मतलब आरोप से है यहाँ उस पर आरोप लगा था पेंस को तोड़ने का और अब वो इतना unconsciously, इतना ब्रेव हो गया उसमें करेज आ गया कि वो इस चार्ज को डिनाई भी नहीं करता है When another वे come on his back, he ejaculated. Don't beat me, sir. It pains. जैसे एक और छड़ी उसकी बैक पे पड़ती है पीठ पे पड़ती है वो गुस्से से चीखते हुए बोलता है कि सर प्लीज डोंट बीट मी इट पेंस बहुत दर्द हो रहा है दिस मै वॉज एन इन्विटेशन टू द हेड मास्टर टू ब्रिंग डाउन द केन फोर टाइम्स अगेन और ये एक लाइन कि डोंट बीट मी सर इट पेंस ये एक इन्विटेशन की तरह काम करता है हेडमास्टर को हेडमास्टर को इसमें आनंद आता है शायद या उनको ऐसा लगता है कि दिस इज द राइट वे टू पनिश द स्टूडेंट सो दैट ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि नेक्स्ट टाइम उसे ऐसा नहीं करना है और वो क्या करते हैं और चार छड़ियां उस पर बरसा देते हैं ठीक है ही सेड कीप स्टैंडिंग हियर ऑन दिस डेस्क Like बेवकूफों की तरह मुझे घूर रहे हो ईडियट कहीं के और तब तक खड़े रहो जब तक कि तुम्हें डिसमिस नहीं किया जाता है एवरी पोर इन स्वामीनाथन बॉडी बॉन्ड विद द टच ऑफ द केन अब जितनी मार पड़ी थी उसे उस केन से उसकी हर एक बॉडी का हर एक वो पार्ट या हर एक वो इंच जलन कर रहा था जल रहा था ठीक है ही एड अ सडन फ्लड ऑफ करेज अचानक से उसकी बॉडी में एक करेज एक ब्रेवरी नेसा जाता है द करेज दैट कम्स ऑफ डेस्परेशन अब वो इतना डेस्पिरेट हो जाता है अब वो सोचता है कि नहीं अब तो मार खाली है अब जो होगा देखा जाएगा जैसे कि आप लोग भी समटाइम्स ऐसा बिहेव करते हैं मार तो दिया ही है इससे ज्यादा क्या ही कर लेंगे तो इस टाइप की सेम फीलिंग उसके मन में आ गई थी वो डिस्पिरेट हो गया था और उसने क्या किया ही रिस्ट्रेन द टर्स डेट वेर थ्रेटनिंग टू रश आउट उसने उन आंसुओं को जल्दी से पोछा और जल्दी से ठीक किया जो कि बाहर आने के लिए बहुत व्याकुल थे उसे उन्हें बाहर आने नहीं दिया जल्दी से अपनी आँखों को पोछा एंड जम्प्ड डाउन और डेस्क से कूद पड़ा एंड ग्रास फीस बुक्स ग्रास मतलब जल्दी से कूद के अपने सारे बुक्स को उसने झपटा और अपने पास रख लिया रश्ड आउट मटरिंग आई डोंट केयर फॉर योर dirty स्कूल जोर से वो चलाते हुए कहता है कि मैं आपके इस गंदे स्कूल को के बारे में केयर नहीं करता मुझे यहाँ पढ़ना ही नहीं मैं जा रहा हूँ यहाँ से और इतना कहते हुए क्या करता है वो यहाँ से चला जाता है सो सिंपल सी थिंग है एडोलेसेंस वो एज है जहाँ पे कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं हम इस एज में अपनी गलती करते हुए भी ये समझ नहीं पाते हैं कि हमें बिहेव कैसे करना है राइट right? और हम उस पर और मिसबिहेव कर देते हैं जैसे कि अभी स्वामीनाथन में किया तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं या आप समझ सकते हैं कि आपको ऐसा मिसबिहेव नहीं करना है और अपने टीचर से ऐसे बातें नहीं करना है बिकॉज इफ़ यू कमिट एनी मिस्टेक और डिड एनी थिंग रॉन्ग स्ट हैव द करेज टू एक्सेप्ट इट एंड यू मस्ट ऑलवेज फील सॉरी फॉर इट दीज आर द मॉरल थिंग्स वन मस्ट लर्न है ना ये मॉरल चीज़ें हैं जो मॉरल साइंस की बुक में आप बचपन से पढ़ते हैं तो ये मॉरल वैल्यूज़ एक ह्यूमन में आना चाहिए आप भले ही एडल एज में है एज के उस पड़ाव पे हैं जहां पे आपकी बॉडी आपके हारमोन्स आपकी साइकोलॉजी सब एक दूसरे के अगेंस्ट हैं एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू बिहेव बींग्यूमन बींग आप ऐसे इंसान हैं आप गॉड का ऐसा गिफ्ट है जिन्होंने क्या किया है एक ऐसी चीज गिफ्ट की है हमें जो किसी के पास नहीं दैट इज कॉल्ड ब्रेन सो Every time behaving, use your brain. Every time before saying anything, use your brain whether you are saying it is correct or not. बिकॉज एक बार आपके मुंह से कोई शब्द निकल गया उसके बाद वो बा, वापस नहीं आएगा बच्चों है ना और आपका बिहेवियर अगर एक बार गलत हो गया तो आपकी टीचर्स के सामने आपका जो इम्प्रेशन है जो इमेज है वो खराब हो जाता है तो ऑलवेज ट्राई किया अच्छा सा इंप्रेशन बनाएंगे गलतियाँ हर किसी से होती हैं राइट बट अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके उसे सुधारना ही इम्पोर्टेंट है थैंक यू सो मच आइए हम आगे चलते हैं वर्ड मीनिंग्स की तरफ लेट्स गो थ्रू सम फ्यू वर्ड मीनिंग्स अब आगे बढ़ते हैं वर्ड मीनिंग्स को समझते हैं सो so, मैंने एक वर्ड यूज़ किया था प्यूबर्टी वेन आई वॉज़ एक्सप्लेनिंग एडोलेसेंस उस समय मैंने कहा था दिस इज़ अ फेस है ना दिस इज़ अ ट्रांजिशन पीरियड विच इन विच अ पर्सन गोज थ्रू प्यूबर्टी से लेकर के एडल्टड तक जाता है राइट सो दिस इज़ प्यूबर्टी प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है कि जब आप यूथ स्टेज में हो यह आप ब्लूम कर रहे हो दैट इज़ प्यूबर्टी स्टेज हम क्या हो रहे हैं प्यूबर्टी चाइल्ड से हम चाइल्डहुड से थोड़ा ऊपर है है ना आपने देखा होगा प्यूबर्टी स्टेज को आप फिज़िकल अपेरेंस से समझ सकते हैं कि आप नाइन टेंथ में हैं क्लास नाइन टें टेंथ में हैं यस ऑफ कोर्स टेंथ में हैं आपके फिजिकल चेंजेस आपको समझ में आ रहे हैं प्यूबर्टी को हिंदी में हम कहते हैं परिपक्वता और दूसरी चीज़ आप उसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जिस तरीके से आप में फ़िज़िकल चेंजेस आ रहे हैं अब आप बचपन से थोड़े अलग दिखने लग गए हैं थोड़ी स्मार्टनेस ज़्यादा आ गई है आपकी बातों करने बातों को कहने का समझने का तरीका बदल गया है आपका फिज़िकल के साथ साथ आपका मेंटल स्टेट भी चेंज हो चुका है तो दिस इज़ द प्यूबर्टी एज राइट अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सपेल्ड टू एक्सपेल्ड का मतलब होता है टू कास्ट या निष्कासित करना किसी को बाहर निकालना एक्सपेल करना फिर उसके बाद है फ्लश्ड फेस फ्लश फेस एंड एंग्री लुक गुस्से में देखना इसके बाद आता है ओमनियस लुक ओमनियस लुक जैसे कि मैंने आपको बताया था समथिंग बैड एज गोइंग टू बी हैपेंड कुछ गलत होने वाला है वैसा लुक देना या तिरछी निगाहों से गुस्से में देखना हम कह सकते हैं एमिनेंस का मतलब होता है सपियो सुपीरियोरिटी सुपीरियोरिटी कहाँ पर ये यूज हुआ था वहाँ तब जब सभी बच्चों को खड़ा होने के लिए कहा गया था गिविंग एन ऑनर कि भाई कल कौन कौन प्रेजेंट था तो सब बच्चे खड़े हो गए अब अब उसके बाद उन बच्चों को कहा गया कि भाई अब वो बच्चे खड़े हो जाइए जो कल एबसेंट थे तो उसमें कुछ बच्चे खड़े हो गए थे और बाकी बच्चों को जो अटेंड किए थे क्लास उनको कहा गया कि भाई आप लोग क्या करिए नीचे खड़े रहिए और बाकी बच्चों को जो एबसेंट थे उनको क्या कहा गया आप लोग बेंच पे खड़े रहिए फिर उनको कहा गया कि आप डेस्क पे खड़े रहिए तो यहाँ पे एमिनेंस का यूज़ किया गया था सुपीरियरिटी के लिए वो सुपीरियर बच्चे कौन थे जो डेस्क पे खड़े थे राइट right? फिर है नकल नकल जैसे मैंने बताया था कि दिस पार्ट ऑफ योर फिंगर आर कॉल्ड नकल्स इसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ फिंगर्स एट जॉइंट वे द बोन इज नियर द स्किन ठीक है द बोन इज नियर द स्किन उसे हम क्या कहते हैं नकल कहते हैं प्रोनाउंस्ड मतलब डिक्लेयर करना गोल मतलब जेल भेज देना डिस्क्रीट मतलब होता है केयरफुल होना और डिस्ट्रेस मतलब होता है ए फीलिंग ऑफ अन बहुत ही परेशान होना राइट और फ्लॉग्ड फ्लॉग्ड का मीनिंग होता है टू हिट समबडी हार्ड सेवरल टाइम्स विद अ स्टिक एज अ पनिशमेंट ये फ्लॉग्ड वर्ड तब यूज़ हुआ है जब वो बच्चा कहता है कि मुझे कुछ लोगों ने कहा रास्ते में कि आज तो स्कूल बंद है और इसलिए मैं नहीं आया तो वहाँ पे हेड मास्टर से कहते हैं कि इफ़ यू बिहेव लाइक दिस यू विल बी फ्लॉग्ड ऑलवेज है ना तुम मूर्ख भी बनाए जाओगे हमेशा और साथ में घर यहाँ पर आकर के हमेशा डंडे भी खाओगे मार भी पिटाई भी मिलेगी पनिशमेंट्स मिलेंगे तो फ्लॉग्ड का मीनिंग वो है इसके बाद है रिजोल्यूटली रिजोल्यूटली का मतलब है फॉर्मली री स्ट्रेन का मतलब होता है एक्टिंग इन अ काम एंड कंट्रोल्ड वे भावहीन होना ठीक है फिर स्टैमर्ड का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि रिपीटेड साउंड्स निकालना या वर्ड्स रिपीटेडली बोलना हक लाना हम इसे एक बार कह सकते हैं Sinister का मतलब होता है एविल ये वर्ड तब यूज हुआ था जब पियो ने एक एविल लुक दिया था किसे दिया था स्वामीनाथन को दिया था वैक होता है sharp blow. किस लिए यूज हुआ था जब हेडमास्टर ने अपने रूल से क्या किया था या अपने कैन से एक शार्प ब्लो किस पे हिट किया था स्वामीनाथन के बैक पर हिट किया था उसके बाद है ब्रिगेड। ब्रिगेड अ मेंबर ऑफ गैंग है ना जैसे मैंने बताया था कि ये ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर मतलब एक तरह का वो सारकजम में कहा था एक व्यंग था कि एक ग्रुप के मेंबर हैं ये लोग बहुत होनहार बच्चे हैं सारगजम में कहा गया था जो तोपचंद वाली बात थी कि भाई तुम तोपचंद तुम कहाँ थे उस टाइप का ये वर्ड इसमें यूज़ किया गया है कि ब्रिगाड ब्रिगाड मतलब होता है ए मम्बर ऑफ अ गैंग डिफिएंट मतलब डिसोबीडियट अब वो बच्चा डिसओबीडियट हो गया था वो सुनने के लिए कोई भी चीज़ को तैयार नहीं था देन इसके बाद है डेस्परेशन डेस्परेशन मतलब होपलेसनेस अब वो मान गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता है अब मुझे अगेंस्ट में आना ही पड़ेगा या फ्रंट में आकर के अगेंस्ट में उनके जाना ही पड़ेगा सो दिसम्प्रिहेंशन पार्ट ऑफ लेसन चलिए सबसे पहले देखते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन जो कि आपकी बुक में अवेलेबल है द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन द डे बिफोर द पनिशमेंट वॉज गिवेन बाय द हेड मास्टर स्वामीनाथन वॉज नॉट प्रेजेंट इन द स्कूल ब्रोक द पैंस ऑफ द वेंटिलेटर्स या लेफ्ट द स्कूल आफ्टर लंच आर हैड अ फाइट विथ फ्रेंड्स तो ये ऑफकोर्स ने क्या किया थाड ब्रोक द पैंस ऑफ द वेंटिलेटर्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वामीनाथन वॉज डेफ ऑफ अ क्वेश्चन दैट द हेड मास्टर वॉज पुटिंग टू हिम दिस मीन्स वॉट स्वामीनाथन वॉज नॉट paying attention swaminathan did not have an answer swaminathan could not hear properly so yeah, the headmaster question was not clear, clear to swaminathan so yes of course he was daydreaming was thinking a lot of things there are a lot of things going on his mind that's why he was not able to hear anything so we can say that swaminathan did not have any answer for the question asked by the headmaster now, the next question I don't care for you, dirty school. Swaminathan muttered these words because the school was untidy, he loved to stay at home, or he was humiliated by the headmaster, or he had found a better school for himself. No, he was humiliated by the headmaster just because of this reason. वो क्या क्या कह गया कि आई डोंट केयर अबाउट योर डर्टी स्कूल सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्प्रीहशन पार्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन अब आइए हम आगे बढ़ते हैं आंसर द फॉलोइंग पे जो कि आपके टेक्स्ट बुक्स में अवेलेबल है वट वॉज द मूड ऑफ द हेड मास्टर वेन ही क्लास ऑफकोर्स वॉज ट्रूली ग्रेटली एंग्री ही इज हैविंग ही केम इन साइड फ्लश फेस एंड गेव एन ओमनियस लुक टू द स्टूडेंट्स ठीक है वो बहुत ही बैड मूड में थे बहुत गुस्से में थे और वो जैसे ही क्लास के अंदर आए वो एक ओमनियस लुक के साथ उन्होंने फ्लश फेस के साथ बच्चों को देखा था या स्टूडेंट्स को देखा था हाउ डिड स्वामीनाथन रिएक्ट टू द क्वेश्चन पुट बाय दस्टर स्वामीनाथन ने किस तरह का रिएक्शन दिया था तो एज यू ऑल नो ही वॉज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन ही वॉज थिंकिंग अलॉट ही वॉज ट्राइंग टू गिव so many kind of explanation but they all are disjointed uh, they all are not connected with each other and the explanation are not related and actually they are not accurate and correct so he was not able to give any kind of answer at that time he just kept quiet

Broke the pains of the ventilators So in this way, I think we have completed this chapter and I hope that you understand the chapter and like the chapter very much. We'll meet you again in our next another chapter. till then take care bye.